वेरी नमस्कार दोस्तों, मैं गुरदीप कुमार आल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख टीचर फेडरेशन से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास सांबा कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सबको घर में रहने की सलाह देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉकडाउन है आप उसको सपोर्ट करें ताकि हम जो ये COVID-19 वायरस है इससे हम लोग लड़ पाएँ और अपने भारतीयों को सुरक्षित अबोर्ड दे पाएँ। आप सबको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि अगर हम ये डिज़ीज़ लाख्स में चली गई तो इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए फ़ंड भी चाहिए और इसके लिए लोगों में अवेयरनेस भी चाहिए। हम चाहते हहैं कि ये थर्ड स्टेज में ना पहुँचे और ये ऐसी हालात ना हो जैसे इटली में हुए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से ये काफ़ी कंट्रोल में है और मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारी पूरी एसोसिएशन को पूर्ण विश्वास है कि ये विद इन 21 डेज़ हम इस पर विजय पाएंगे। और जो हैं भी 700 के अराउंड हमारे जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो ठीक हो जाएंगे सारे। इसके लिए फ़ंड की जरूरत है, मैंने पहले भी कहा। तो हम अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख टीचर फेडरेशन की तरफ से अपने पूरे कैडर को, जो हमारी मेंबरशिप है, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के डायरेक्टर से मिलके भी ये बात कही थी, देवराज ठाकुर जी ने, और रतन शर्मा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने इस बात को पब्लिक फोरम में लाया था। तो हम लोग वन डे सैलरी जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट को डोनेट करते हैं और जो हमारे जितने भी कैडर मेंबर हैं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के टीचर बरादरी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग एक दिन की अपनी जो सैलरी है वो डोनेट करें ताकि हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पैरामिलिट्रीज हैं, हमारी पुलिस है, हमारी अदर एनजीओज हैं, हमारे और भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बल मिले ताकि वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम उनको प्रोवाइड कर पाएँ। हमारे जम्मू कश्मीर में 1 लाख के आसपास जो है हमारी टीचर फैसिलिटी है, वो अगर ये मान लो 1,000 रुपया भी डोनेट करते हैं तो ये 10 करोड़ बन जाएगा और इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि हमें पता वन डे सैलरी जो है इससे ज़्यादा ही है। तो ये 10 करोड़ का जो गिफ्ट रहेगा हमारे लोगों के लिए, जो मास्क चाहिए है और जो अदर मूलभूत की सुविधा चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए है और जो वेंटिलेटर्स की कमी होगी, भगवान ना करे कि हमारे जहाँ ऐसी जरूरत पड़े। हमारे पास अभी जम्मू कश्मीर में 10-12 केसेस हैं और इनमें बड़ी जल्दी मुझे लगता है कि ये भी ठीक हो जाएंगे और हमने जो ये निश्चय किया है कि हम इस पर विजय पाएंगे, विजय पा के रहेंगे। थैंक यू। आप अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास के लोग जो मास मीडिया, जहाँ जी हमारे पास सोशल मीडिया से जो मिसगाइडेड होते हैं, आप उनको प्रॉपरली गाइड करें क्योंकि मिसगाइड होके हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो इस बीमारी को और फैला सकता है। ठीक है, तो सतर्क रहे, आप सब एजुकेटेड हैं, आप समर्थक है, आपने आप समर्थ है आप में इतना कि आप इस बुरे समय में गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरी दुनिया को हम बताएँ कि भारतीय जो है वो एक हैं, 135 करोड़ लोग जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हैं। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन। वंस अगेन मैं आपको आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहें और हमारी जो प्रार्थना भगवान जी पूरी कबूल करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, अपने घर में रहिए। थैंक यू। हम पूरी पंचायतों का, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे पैरामिलिट्री, मेडिकल, पुलिस पर्सन, आर्म फोर्सेज, गवर्नमेंट्स का थैंक यू करते हैं और विद रिस्पेक्ट उनको सैल्यूट करते हैं कि आपने जो एफर्ट्स किए हैं वो अनपैरल हैं थ्रू आउट वर्ल्ड। थैंक यू वंस अगेन। आपने मुझे पेशेंस ही सुना, उसके लिए थैंक यू जी।